मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर नए कृषि कानूनों को बताया किसान हितैषी, कहा जरूरत पड़ने पर संशोधन के लिए तैयार है सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत गुरु रविदास पर आधारित कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा हमारे संविधान में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्य गुरु रविदास के जीवन दर्शन के अनुरूप। पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोरनी इलाके में शीघ्र ही शुरू की जाएगी पैराग्लाइडिंग। और कुछ राज्यों में कोरोना के नए मामलों में तेजी को देखते हुए केंद्र ने जारी किए नए दिशा निर्देश, प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण पर जोर देने और आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने के निर्देश। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि करनाल में कर्ण झील का नवीनीकरण किया जाएगा ताकि यहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इससे पूर्व उन्होंने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल बाहर से आता है और इसकी कीमतें बाजार पर निर्भर होती हैं, बाकी प्रदेशों के मुकाबले हमारे यहाँ टैक्स कम है। उन्होंने कहा कि इससे आने वाला राजस्व जनता के ही काम आता है। हमारा वैट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इसको और कम करेंगे, तो बाकी जगह पर जैसे रेट होता है संतुलन बैठा करके उनके कंपटीशन में ही रखना पड़ता है, उसमें से स्टेट को भी एक जो रेवेन्यू आता है उस रेवेन्यू से जनता का ही काम। किसान आंदोलन और महापंचायतों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं। हमने पूछा है कि इसमें क्या गलत है, अगर कुछ गलत लगेगा तो हम उसे ठीक करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन्होंने इन कानूनों को पढ़ा भी नहीं वे भी इसका विरोध कर रहे हैं। विषय चल गया है अब, जो कि हम धैर्य पूर्वक इन सब चीज़ों को देख रहे हैं और हम समझा भी रहे हैं, हम बता भी रहे हैं हर मोर्चे पर कि तीनों जो बिल बने हुए हैं इन तीनों बिलों में किसान का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इनके इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसान का लाभ ही होगा। और चूंकि अब इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है, हमने ये भी कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद किसी भी विषय को लेकर के किसान का नुकसान होता है तो हम हमेशा तैयार हैं उन चीज़ों को विड्रा करने के लिए। हमारे कहने से भी पहले केंद्र सरकार ने कह दिया है कि आप इसमें बताइए क्या गलत है, जो आप बताएंगे गलत है उसको ठीक करने के लिए 24 घंटे हमेशा हम तैयार हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल को लेकर के, एक पॉलिटिकल सपोर्ट को लेकर के जिस प्रकार से एक यानी भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ जुड़े सब लोग एक तरफ और बाकी सब लोग एक तरफ, ऐसे लोग जिनको तीनों कानूनों को पढ़ा नहीं है, जिनको पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वो भी विरोध के अंदर शामिल होते हैं, तो इसका मतलब ये कि किसान का विषय नहीं है ये विषय, किसान नेता भी जो पॉलिटिकल एंगल से जुड़े हुए हैं वो इसको देखते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महान संत गुरु रविदास जी पर आधारित श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि महान संत रविदास जी अपने समय के ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया। श्री गुरु रविदास जैसे महान संतों का आगमन सदियों में कभी कभी होता है। उन्होंने केवल अपने समकालीन समाज का ही नहीं बल्कि भावी समाज के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया था। अनेक विद्वानों की मान्यता है कि संत रविदास जी की असाधारण दीर्घायु के कारण तत्कालीन समाज एवं संतों की कई पीढ़ियों के उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। राष्ट्रपति ने गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि आधुनिक भारत की शासन व्यवस्था की दिशा बतलाने वाले हमारे संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व में गुरु रविदास द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण किया गया है। आधुनिक भारत की शासन व्यवस्था की दिशा बताने वाले हमारे संविधान में उल्लिखित अनेक नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं, उनके बारे में भी गुरु रविदास द्वारा सुझाए गए मार्ग का अनुसरण किया गया है। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, काम करने की मानवोचित व्यवस्था, श्रमिकों के लिए निर्वाह व मजदूरी,
अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा व आर्थिक हितों से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों में भी श्री गुरु रविदास जी द्वारा प्रसारित आदर्श परिलक्षित होते हैं। पर्यटन, वन एवं शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा है कि मोरनी इलाके में शीघ्र ही पैराग्लाइडिंग शुरू की जाएगी, क्योंकि वहां पर हवा का दबाव बहुत अच्छा है। इस काम के लिए बाकायदा सर्वे और ट्रायल भी किया जा चुका है। केरल दौरे से लौटने के बाद पर्यटन मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि केरल राज्य पर्यटन की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। वहां की सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापनों पर अच्छा खर्च करती है। वहां के होटल भी पर्यटकों को पहले से बुकिंग कराने पर भारी छूट देते हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि इन दोनों बिंदुओं पर प्रदेश में भी पर्यटन बढ़ाने का काम किया जाएगा। केरल में पर्यटन के मामले में बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही वहाँ पर्यटक जो हैं वो बड़ी संख्या में वहाँ आते हैं। तो हमने वहाँ के जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की थी और कुछ जो की जानकारी हमें मिली, जैसे उन्होंने कहा कि हम एडवर्टाइज पे बहुत खर्च करते हैं। अगर हम 300 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पे ख़त्म खर्च करते हैं तो 100 करोड़ रुपये में एडवर्टाइज खर्च करते हैं। तो हमारे यहाँ एडवर्टाइज का मामला बहुत कम है, तो हमने इस पर विचार किया। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन जैसे बुकिंग करते हैं तो रेट जिस प्रकार से, जैसे हवाई जहाज का टिकट का रेट है ना, अगर आप बहुत पहले अगर बुकिंग कराते हैं तो उसके रेट कम है, और अगर टाइम के टाइम है आप कराएंगे तो उसके रेट ज़्यादा हैं। तो वहाँ भी इस प्रकार का सिस्टम, होटल का सिस्टम भी इसी प्रकार का है, जो हमारे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है उनका सिस्टम भी ऐसा ही है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि यमुनानगर की कलेसर बेल्ट के साथ लगती यमुना नदी में पानी का बहाव अच्छा है। सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां पर बोटिंग या राफ्टिंग की सुविधा शुरू करने पर विचार कर रही है। इस इलाके में स्थित हथिनी कुंड पर 12 करोड़ रुपए की लागत से पार्क बनाया जा रहा है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगा। यहाँ विचार कर रहे अभी, हमारे पास काफी अच्छा है पानी का बड़ा जो यहाँ है, तो उसमें बोटिंग वगैरह चल सकती है, अच्छी राफ्टिंग वगैरह चल सकती है, तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं। और अभी कुछ राज्यों ने कोरोना के नए मामलों में आ रही तेजी को देखते हुए केंद्र ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों में प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण पर जोर देने और RT-PCR टेस्ट बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव मामलों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। अधिक मृत्यु दर वाले जिलों में क्लिनिकल मैनेजमेंट पर जोर देने और जरूरत पड़ने पर नए कंटेनमेंट क्षेत्र बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों को कोरोना के नए स्वरूप पर नियमित रूप से निगरानी रखने के साथ साथ कोविड मामलों के बढ़ते समूह पर नजर रखने की सलाह भी दी गई है। वहीं देश में कोविड से ठीक होने की दर 97.25% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 14,264 नए मरीज सामने आए हैं। 11,667 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी गई है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। कुरुक्षेत्र में समग्र शिक्षा के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर में 5 जिलों के 100 विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। समग्र शिक्षा के सहायक परियोजना अधिकारी संजय कौशिक ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश के कन्नौज से विशेषज्ञ बुलाए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिविर में दिव्यांग विद्यार्थियों को अगरबत्ती, गुलाब जल, गुलकंद, गुलाल, फेस पैक और परफ्यूम बनाना सिखाया जा रहा है। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें ये 10 दिन का रेजिडेंशियल है, यहाँ बच्चे रह भी रहे हैं, यहीं सीख रहे हैं, और यहाँ जो कन्नौज से टीम आई हुई है वो इन बच्चों को यहाँ पे पूरा आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने जीवन पैरों पर खड़ा हो सके, इसके लिए यहाँ प्रयास किया जा रहा है। तो ये बच्चे जो है हमारे जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट में मतलब जो बच्चों को सिखाया जाएगा, तो बच्चों से ये प्रोडक्ट प्रैक्टिकली, थेरेटिकल और प्रैक्टिकली दोनों चीज़ों से सिखाया जा रहा है। बाद में ये बच्चे प्रैक्टिकली सीखने के बाद इससे जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनने के बाद बच्चे ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर से उससे आत्मनिर्भर हो सकते हैं।
प्रशिक्षण के अंत में शिविर के दौरान विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई सभी वस्तुओं को प्रदर्शनी व बिक्री के लिए रखा जाएगा। प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों का कहना है कि इस शिविर में उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप के लिए आए हैं। यहाँ पे हमें धूपकोन, अगरबत्ती, हवन सामग्री एवं परफ्यूमरी सिखाई जाती है। पहले तो हमें उसकी चीज़ों का ज्ञान करवाया जाता है कि उसमें क्या क्या रहेगा, फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है, वेट करवाया जाता है और फिर हमसे वो टीचर्स खुद बनवाते हैं। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पर गुलाब जल बनाना सीखा है, गुलकंद बनाना सीखा है और हर्बल गुलाल बनाना सीखा है। मैं यहाँ पर जो सीखा है मेरे को बहुत अच्छा लगा। पहले मैंने सीखा था गुलाब जल बनाना सीखा था, उसके बाद मैंने वो गुलकंद बनाना सीखा, फिर मैंने वो गुलाल बनाना सीखा। चरखी दादरी में खुशियों की दीवार के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को सामान उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिले में पिछले 5 सालों से खुशियों की दीवार अभियान चला रहे सामाजिक कार्यकर्ता संजय रामफल ने अब जमीन पर बैठकर काम करने वालों को खुशियां देने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने लोगों के सहयोग से मोचियों को काउंटर बनवा कर दिए हैं। संजय ने बताया कि उन्होंने यहां कपड़ा बैंक भी चला रखा है, जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अपनी जरूरत के कपड़े ले जा सकता है। अब तक हजारों लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक कपड़े बांटे जा चुके हैं। 5 साल पहले हमने एक अभियान की शुरुआत की थी खुशियों की दीवार। एक ये छोटी सी पहल थी, हमने एक कुर्सी पर सामान रखकर ये अभियान शुरू किया था। तथा जिनके तन पे कपड़ा नहीं, पैरों में जूती नहीं, और रियल में सर मैं इतना इमोशनल हुआ, मैं इस लायक भी नहीं था कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं। दिन रात मेरे को ये दिमाग में आता था कैसे मैं इन लोगों की हेल्प करूँ, क्योंकि मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ, लेकिन एक जुनून है दिल में कि कार्य किया जाए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा दोस्तों। आज भी खुशियों की दीवार यहीं चरखी दादरी में नहीं, हमें काफ़ी जिलों में स्थापित कर चुके हैं, और जो मेरे दादरी और आसपास के लोगों का जो सानिध्य मिला है उसके लिए मैं दिल से सलाम करता हूँ। ये मेरी अकेले की खुशियों की दीवार नहीं है, ये चरखी दादरी और आसपास के लोगों की दीवार है। लोगों से अपील की कि अगर आपके घर में आवश्यकता से अधिक कोई भी सामान है, वो सामान आप खुशियों की दीवार पर यहाँ पर देके जाइए, तो हम यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और फिर जो तमाम स्लम एरिया है हम एक वाहन में ले जाकर इन कपड़ों को वितरण करते हैं। पवन कुमार ने बताया कि उसे गर्मी और सर्दी में जमीन पर बैठकर काम करना पड़ता था, अब काउंटर मिलने से काफी आसानी होगी। मैं यहाँ पर कपड़े लेने के लिए बच्चे को जब आता है मेरे को, जब आता है तो मेरे को कपड़े दे देता है, बच्चे को सारे, मेरे को, मेरे घर वालों को, फिर पूरा परिवार को दे देता है, नटता कभी नहीं और पैसे नहीं लेता है खुशी दीवार पर। ये पार्टनर दिया है खुशियों की दीवार ने दिया है, हमें बहुत खुशी दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये बनवाए तो काफी रुपये का बढ़ता है, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्वीट में कहा है कि भाषाई विविधता सदैव ही हमारी सभ्यता का आधार रही है। हमारी मातृभाषाएं सिर्फ संवाद का ही माध्यम नहीं है बल्कि हमें हमारी विरासत से जोड़ती हैं, हमारी पहचान को परिभाषित करती हैं। हमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर प्रशासन तक हर क्षेत्र में मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। अपने विचारों, अपने भावों को रचनात्मक रूप से अपनी भाषा में अभिव्यक्त करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मातृभाषा श्रेष्ठ भाषा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर नए कृषि कानूनों को बताया किसान हितैषी, कहा जरूरत पड़ने पर संशोधन के लिए तैयार है सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत गुरु रविदास पर आधारित कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा हमारे संविधान में सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे मूल्य गुरु रविदास के जीवन दर्शन के अनुरूप।
पर्यटन मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा, प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोरनी इलाके में शीघ्र ही शुरू की जाएगी पैराग्लाइडिंग। और कुछ राज्यों में कोरोना के नए मामलों में तेजी को देखते हुए केंद्र ने जारी किए नए दिशा निर्देश, प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण पर जोर देने और आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने के निर्देश। समाचारों में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।